रेगुलेटर बनाने के लिए BT136 एक ट्रायक लगेगा, जिसका मैंने पिन आउटलेट दे दिया हूँ। पीएफ कैपेसिटर 105J 400 वोल्ट, मैं दो पीएफ यूज़ करूँगा इसमें, मेरे पास 2KV का पीएफ नहीं है, इसलिए मैं दो पीएफ यूज़ करूँगा सेम वैल्यू का। उसको मैं सीरीज में कनेक्शन कर दूँगा दो पीएफ को। पीएफ का कोई भी एक टर्मिनल को मैं ट्रायक का T1 टर्मिनल में कनेक्ट करूँगा। एक DV3 लगेगा इसमें। पीएफ का एक टर्मिनल में DV3 का एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और DV3 का दूसरा जो टर्मिनल है उसको ट्रायक के गेट वाले जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट करेंगे। बहुत आसान सर्किट है, कोई भी घर में बना सकते हैं आप। एक 33 kΩ रेजिस्टेंस लूँगा, उसको मैं कनेक्ट करूँगा ट्रायक के T2 टर्मिनल में। हंड्रेड किलो ओम्स पोटेंशियल मीटर, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो 30 kΩ रेजिस्टेंस का एक जो पिन निकला हुआ है और जो DV3 से एक पिन निकला हुआ है, उधर कनेक्ट कर देंगे ये पोटेंशियल मीटर को। दोस्तों ये बहुत सिंपल सर्किट है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये खर्च होगा। अगर आप घर पे बनाएंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। इसमें 220 वोल्ट AC है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नया हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों दो वायर जो निकालना होगा जो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए, तो एक T1 से निकालेंगे और एक T2 से एक कनेक्शन निकालेंगे, तो सर्किट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया सर्किट, अभी इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसे काम करता है। मैं कैप लगा रहा हूँ इसमें। दोस्तों अगर ये आप घर में कोशिश करेंगे, थोड़ा सावधानी से कोशिश करेंगे, ये ओपन सर्किट और 220 वोल्ट है, इसलिए आपको शॉक लग सकता है। दोस्तों सीरीज बोर्ड से इसको चेक करेंगे ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये वाला जो सीरीज बोर्ड आप देख रहे हैं, ये एक ही स्विच के अंदर एक बार सीरीज में ऑन होगा और एक बार डायरेक्ट ऑन होगा। अगर ये सीरीज बोर्ड आप बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं सावधानी से कर रहा हूँ, आप थोड़ा सावधानी से करेंगे। इसमें 220 वोल्ट है। देखिए वोल्टेज मैं कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया। देखिए बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, 200 वाट का बल्ब से जल रहा है, मतलब ये मेरा अच्छे से काम कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग का काम में आएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।